नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों से। भारत ने इंग्लैंड को हराया। इंग्लैंड की सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें खत्म। विश्व कप क्रिकेट के मुकाबले में मौजूदा चैंपियन इंग्लैंड को भारत ने 100 रन से हराकर जहां अपना विजय रथ जारी रखा है, वहीं इंग्लैंड की सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। भाजपा प्रत्याशी सिद्धार्थ तिवारी ने भरा नामांकन। भारतीय जनता पार्टी क्योंझर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी सिद्धार्थ तिवारी राज अपने समर्थकों के साथ निवास अमहिया से कलेक्ट्रेट पदयात्रा का दाखिल किया नामांकन। आम आदमी की जेब में डाका डाल रही महंगाई, दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे प्याज के दाम। मौजूदा हालत में 70 रुपए प्रति किलो तक पहुंचे, आगामी चुनाव में सरकार बनाने में बड़ी भूमिका निभा सकती है प्याज। भाजपा के गठबंधन को बचाने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बनाई रणनीति, एक एक विधानसभा का मांगा हिसाब किताब। जबलपुर में भी बीजेपी की मैराथन बैठक। त्योंथर में हुई अंधी हत्या में पुलिस ने किया बड़ा खुलासा, पुराना प्रेमी ही निकला मृतक महिला का हत्यारा। पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा सलाखों के पीछे। समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश चुनावों में जारी की एक और सूची। रीवा के देवताला प्रत्याशी को बदल। हाल में ही कांग्रेस से सपा में शामिल हुए पूर्व प्रत्याशी सीमा जयवीर सिंह सेंगर को बनाया उम्मीदवार। आंध्र प्रदेश के विजयनगर में दो यात्री ट्रेनों के टकराने से बड़ा हादसा। हादसे में 9 लोगों की मृत्यु और 40 से अधिक लोग घायल। सरकार ने मृतकों के परिजनों को 10 लाख, गंभीर रूप से घायलों को 2 लाख और सामान्य रूप से घायलों को 50,000 रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। राजस्थान चुनाव में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी पर बड़ा हमला। बोले, चुनाव आते ही ईडी सीबीआई आईटी विभाग भाजपा के पन्ना प्रमुख बन जाते हैं। राजस्थान की हार देखकर भाजपा चल रही आखिरी दांव। भोपाल दौरे के बीच अमित शाह के धमकी भरे अंदाज में विवादित बयान। जो अधिकारी कमल का ध्यान नहीं रखे उसे छोड़ना नहीं। बैठक में मौजूद थे सीएम सहित कई बड़े नेता। त्योंथर में कमांडो अरुण गौतम ने चुनावों में ठोकी ताल। विंध्य जनता पार्टी ने बनाया है उम्मीदवार। लंबे समय से क्षेत्र में कर रहे थे जनसंपर्क, बिगाड़ सकते हैं त्योंथर में जीत हार का आंकड़ा। अब तक लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ ऐसे ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज।